हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने सीटेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्ज़ाम की डेट भी आपके जो आ गई वो 7 जुलाई एग्ज़ाम डेट है। तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने चाहिए सीटेट के रिगार्डिंग, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो सीटेट है वो 7 जुलाई से एग्ज़ाम डेट है और रिज़ल्ट भी आपका अगस्त तक आ जाएगा। इसमें आपको सभी को पता है कि जो 150 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे में आपको ये टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चंस आएंगे। आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बायलैंगुअल है। पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा सीटेट का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं। सिलेबस वही है जो आपका इतने टाइम से चल रहा है, अभी कोई चेंजेस नहीं है। तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी के लिए होता है, एक जूनियर के लिए होता है। तो प्राइमरी वाले वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने DLED या BTC कर रखा है, इसमें DED अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी में जो आप जो इसका कौन कौन सब्जेक्ट आपको आएंगे पेपर फर्स्ट में प्राइमरी में, तो CDP आएगा 30 नंबर का, मैथ आएगी आपको 30 नंबर की, 30 नंबर में एक चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा और एक पेडागॉजी, और मैथ में भी एक नॉर्मल मैथ जो आपकी क्वेश्चन है 5th क्लास तक के बच्चों के वो, और मैथ की पैडागॉगी आएगी। इसी प्रकार लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज का बहुत इशू रहता है एग्ज़ाम में, आप जो फॉर्म फिल करते हैं इसलिए। तो आपको लैंग्वेज अपने बहुत सेलेक्टेड करनी है। अगर आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश अपनी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट कर सकते हैं, सेकेंड इंग्लिश कर सकते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट है 30, इसमें भी आपको 15 नॉर्मल हिंदी आएगी और जो आपके पैसेज हो गए हैं और पर्यायवाची या फिर आपके विलोम शब्द वगैरह वो आएंगे, और एक 15 नंबर की पैडागॉजी आएगी हिंदी की। इसी प्रकार 15 नंबर का पैसेज जो नॉर्मल इंग्लिश होगी और 15 ही नंबर की पैडागॉजी होगी। तो इंग्लिश में पैसेजेस होते हैं वो आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी पैसेज ऐसे होते हैं कि उनका क्वेश्चंस ढूंढने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका अर्थ समझ नहीं आ पाता। तो इसलिए पैसेज पे अपने आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और EVS आएगी जो 30 नंबर की है, तो आप NCERT से भी EVS को तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पेपर सेकंड होगा, तो पेपर सेकंड आप DED वाले डाल सकते हैं और DLED वाले भी आप सेकंड पेपर दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में जब भी वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे 6 to 8 में BTC वालों जो DLED थे उन्होंने ये सेकंड जो 6 to 8 के लिए आई थी वैकेंसी उसमें फॉर्म फिल किया गया था। तो जूनियर लेवल है तो इसमें भी आपकी CDP आएगी, जिस प्रकार 15-15 मार्क्स की है इसी प्रकार यहाँ पे है। यहाँ भी लैंग्वेज आपने अनुसार ही सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होगा 6 to 8 में आपके सब्जेक्ट के ऊपर होता है कि अगर आप मैथ साइंस से हैं तो 30 नंबर आपके आएंगे मैथ से और 30 आएंगे आपके साइंस, ये आपके 60 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार जिसका मेन सब्जेक्ट SST है तो उसमें भी आप 30 क्वेश्चन आपके SST से होंगे और 30 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी जो है आप इससे जो आपका सब्जेक्ट मेन है उसके रिगार्डिंग आएंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी जो मैंने सीटेट के बारे में आपको बताई है, तो आप प्लीज़ अपना एग्ज़ाम फिल करिए, क्योंकि अगर किसका पास नहीं हुआ, कुछ ही परसेंट जो बच्चे हैं पास नहीं हुए हैं इस बार, लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर पास होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।